लाइफ की शुरुआत कब होती है? जब स्पर्म एग से मीट करता है. लेकिन एक नई रिसर्च हुई है जो कि पब्लिश हुई है सेल में, जिसमें रिसर्चर ने एक सिंथेटिक एम्ब्रियो बनाया जो कि ना ही किसी फर्टिलाइजेशन से बना है ना ही वूम में बना है. इसमें स्टेम सेल्स को यूज किया गया है और माइस के स्टेम सेल्स लिए गए हैं जिनको तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है. एक स्टेम सेल से एक्चुअल में एम्ब्रियो बनाया जाएगा और बाकी दोनों स्टेम सेल्स को प्री ट्रीट किया गया ताकि उसके जीन्स ओवर एक्सप्रेस हो सके और वो प्लेसेंटा और योक सैक की सिंथेसिस कर सके. ये जो एम्ब्रियो था ये टोटल 8.5 डेज के लिए ग्रो हुआ. इसमें प्रॉपर प्लेसेंटा और योक सैक की सिंथेसिस हुई. इसमें सर्कुलेशन देखा गया, हार्ट फॉर्मेशन देखा गया, ब्रेन डेवलपमेंट देखी गई, इंटेस्टाइनल ट्रैक डेवलपमेंट देखी गई, न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट देखी गई. और ये जो पूरे स्ट्रक्चर्स थे ये नॉर्मल डेवलपमेंट से 95% सिमिलर थे. तो इस तरीके से एक सिंथेटिक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ है गाइस. इसके बारे में जरूर पढ़िएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है.